फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 1000 करोड़ बिगेस्ट इम्पोर्ट बैन ऑन चाइनीज स्टील कंटेनर्स, 2021 बिगेस्ट मेक इन इंडिया डिसीजन। अरे वाह, मुझे लग रहा है शायद कंटेनर्स बंद करके अपने कंटेनर शायद बना रहे होंगे। चलो देखते हैं कि मेरा अंदाजा ठीक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। भारत से रॉ मटेरियल खरीदने के बाद चाइना द्वारा भारत को ही फिनिश प्रोडक्ट्स बेचने की आदत पर अब लगाम लगने जा रही है, क्योंकि भारत अब खुद अपने रॉ मटेरियल से बने फिनिश प्रोडक्ट से चाइनीज कंपनीज का मार्केट खराब करने का प्लान बना चुका है। दरअसल शिपिंग कंटेनर्स की बढ़ रही मांग और दुनिया भर में चल रही शॉर्टेज को देखते हुए अब भारत इन कंटेनर्स को स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर करेगा। ये वही कंटेनर्स है जिसके लिए भारत अभी तक पूरे तरीके से चाइना पर निर्भर है, और इन कंटेनर्स का रॉ मटेरियल चाइना भारत से ही खरीदकर भारत को ही बेच देता है। भारत को हर साल 3.5 लाख कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, और इन कंटेनर्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से इन्हें चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। कमाल की बात यह है कि चाइना से इंपोर्टेड इन कंटेनर्स में लगने वाली स्टील भारतीय होती है, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारतीय स्टील का सबसे बड़ा इंपोर्टर अभी चाइना है, जिसने अकेले 2020 में ही भारत में बनी कुल स्टील का 29% खरीदा था। नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच ही चाइना ने 1.9 मिलियन टन स्टील का इंपोर्ट भारत से किया था। मतलब ये कि चाइना भारत से ही रॉ मटेरियल खरीद के भारत से ही पैसा कमा रहा था, पर अब ये बदलने जा रहा है, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के निवेश से अब भारत में इन कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने जा रही है, और इन कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग को इतने बड़े पैमाने पर किया जाएगा जिससे भारतीय शिपलाइनर्स को चाइना से इन कंटेनर्स का इंपोर्ट ही न करना पड़े। गुजरात के भावनगर में बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, और भारतीय सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत में बने इन कंटेनर्स को भारतीय ग्राहकों की कमी ना हो, और कंटेनर मैन्युफैक्चरर्स भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारत में बने इन कंटेनर्स की कीमत चाइनीज कंटेनर से कम हो, जिससे शिपलाइनर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ऐसा नहीं है कि इन कंटेनर्स में लगने वाली स्पेशलाइज्ड स्टील को भारत में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, या फिर इन कंटेनर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले इन कंटेनर्स को भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाता था। जो कंपनीज इन कंटेनर्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करती थी वो है बामर लॉरी, ह्युंडई और नथानी। चाइना से सस्ते इंपोर्टेड कंटेनर्स की वजह से इन तीनों कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में बंद करनी पड़ी, क्योंकि भारतीय फ्रीट कंपनीज ने ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भारतीय कंटेनर्स की बजाय इन चाइनीज कंटेनर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अकेले भारत ही नहीं बल्कि इन चाइनीज कंटेनर्स की वजह से कई देशों में कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई। भारत में बनने जा रहे इन कंटेनर्स के रॉ मटेरियल के लिए कुछ बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स से भी बात की जा रही है, जो इन कंटेनर्स के लिए स्पेशलाइज्ड स्टील मुहैया करेंगे। रेलवे की सब्सिडियरी कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कॉनकोर अब स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से ही इन कंटेनर्स को खरीदना चाहती है, क्योंकि इस पेंडेमिक के चलते चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन कंटेनर्स को तटीय जगहों पर इसलिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा जिससे इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जा सके, और चाइनीज कंटेनर्स को कॉस्ट के मामले में कंपटीशन दिया जा सके। इन कंटेनर्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने की वजह से एक फायदा जरूर हो सकता है। इन कंटेनर्स का इस्तेमाल अगर घर, स्कूल या रैन बसेरा बनाने के लिए किया जाए तो बहुत से पैसे बचाए जा सकते हैं। पुराने कंटेनर्स का ऑक्शन करके कई लोग अपने घर का सपना कम कीमत में पूरा कर सकते हैं, और ऐसी जगह घर बना सकते हैं जहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ले जाना काफी एक्सपेंसिव होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड और हिमाचल जैसी पहाड़ी जगह। भारत में बने इन कंटेनर्स की वजह से भारत की चाइना पर डिपेंडेंसी कम तो होगी ही, बल्कि करोड़ अरबों रुपए चाइना जैसे देश जाने से भी बचेंगे। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज थी। वही ना, चेंजेस आ रहे हैं और बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, कि जो चीजें मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी चाइना से मंगवाई जाती थी। और मजे की बात यह है कि हम सप्लाई कर रहे हैं उनको रॉ मटेरियल, वो हमसे ले रहे हैं और उस रॉ मटेरियल से चीजें बना रहे हैं, कंटेनर्स बना रहे हैं, और वो उसके बाद महंगे करके फायदे में हम ही को ही बेच रहे हैं। तो अब वो सब जो है चेंज हो रहा है, और उस वजह से कि वो सस्ता बेच रहे थे हमारे यहाँ, जहां पे जो भी इंडस्ट्रीज थी जो बना रही थी ये कंटेनर्स, उनको क्योंकि उनकी थोड़ी एक्सपेंसिव थी तो वो बंद हो गई सारी। तो अब वापस इनकरेजमेंट मिलेगी हमारे यहाँ पे ही कि ये सब बने, और खाली यहां बन के हम ही ना यूज करें, हम बाकी वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज को भी वो बेचें। तो बहुत ही अच्छा है कि चाइना को कॉम्पिटिशन मिलेगा, और इससे हम भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, मेड इन इंडिया होगा, और हम भी इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अगर खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी कोई बाहर वाला आके हेल्प नहीं करेगा। हमारे पास ही सब कुछ इनसाइड होना चाहिए ताकि हमें किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े हर चीज में। तो अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस, काफी अच्छा वीडियो था। और इसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया वापस अब आ रहा है गेम में, कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम खुद कंटेनर बनाएंगे, और सबको पता है कि चाइना से चीप होने चाहिए तभी लोग खरीदेंगे।
तो वो अच्छी बात थी। दूसरे मजे की बात थी, आप इम्प्लीमेंटेशन देखें घरों बनाने में, घर बनाने में, वो मुझे आइडिया बड़ा जबरदस्त लगा कि आप चाहें तो आप मतलब हर एक कंटेनर आप समझ सकते हैं कि एक कमरा हो जाएगा बड़ा सा, 3 कंटेनर लगा दीजिए बीच में से दरवाजे के लिए, वहां पे जो भी ड्रिल करिए या वहां पे होल करिए, कट करिए और आपके 3 एक कमरा दूसरा कमरा तीसरा कमरा, एक कंटेनर रखा दूसरा कंटेनर रखा तीसरा कंटेनर रखा, बीच में कट 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 किया, डबल 3 डबल फ्लोर का जैसे घर बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, जैसे दिखा रहे थे लंबे लगा दो दो उसमें 2 और बन गए, मतलब सीढ़ी लगा दिए वो जो पोर्टेबल एक के ऊपर एक। यहाँ पे जो बनते हैं स्कूलों में भी, अगर स्कूलों में जगह कम है तो फिर आप ऐसा ही एक डब्बा बना के क्लासरूम बना सकते हो, यहाँ पे भी तो स्कूलों में वो बनाते हैं ना, ट्रेलर बनते हैं ट्रेलर टाइप के होते हैं। तो मतलब पॉइंट ये है कि बहुत अच्छी चीज है, उससे जो है लोग ये भी बोल सकते हैं भी हमने अपने घर की लैंड ले ली है और कंटेनर वाला घर ऑर्डर कर दिया है, उसमें इतने सारे डिजाइन होने चाहिए कि आपको ऐसा टाइम चाहिए, आपको 3 मंजिला चाहिए, 2 मंजिला चाहिए, आपको जो भी चाहिए बिंदास बना देंगे और आपके आप कहेंगे 10 दिन में पूरा घर रेडी, कंटेनर वाला घर वो उठा के लाएंगे और वहां लगा देंगे, कंटेनर 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 बीच में कट होगा और उसको वेल्ड करेंगे और एक पूरा घर बन गया जो गवर्नमेंट सर्टिफाई करेगी कि लिवेबल है, बिंदास है ये, और प्लम्बिंग के यूनिट्स लगा देंगे, तो काफी अच्छी चीज है। वैसे ही करनी चाहिए और जो सप्लाई करें कंटेनर वही करने चाहिए कि कंटेनर होम्स बना दें, साथ में इक्विपमेंट भी, प्लम्बिंग का ये सामान है, ये है, ये यहाँ अटैच होगा, ये डिजाइन है, उससे बहुत जल्दी जल्दी घर बन जाएंगे और कंटेनर वालों की भी बात बन जाएंगी। प्लस अब जो इन्होंने बोला है कि इंडिया में आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, चाइना से चीप करेंगे, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो भी इंडियन है वो बोलेगा भाई इंडिया के लेता हूँ साथ में लेता हूँ, गुजरात में बन रहे हैं सस्ते बन रहे हैं बेटर बन रहे हैं हमारे हैं तो हम वही लेंगे, तो दैट इज वेरी नाइस थिंग। तो मेरे ख्याल से ऐसे इनोवेशन आते रहने चाहिए, ये मेक इन एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया का ही एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल हम नजर आएंगे जिसमें इंडिया बहुत ही कॉशियसली ये सब काम कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट आई है उसने अपने लोगों को बोला है सोचो क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे क्लियर है कि हमारा रॉ मटेरियल ले रहा है चाइना, कंटेनर बना रहा है, हर कोई जो कोई भी चीज जो रिटेल बनाता है, जो भी मतलब चीज बन रही है, मैन्युफैक्चरर 4 या 5 गुना में बेचेगा उतने में उसका रॉ मटेरियल फ्री हो जाता है, तो वो सोचिए उस क्या जबरदस्त चाल है कि आपसे रॉ मटेरियल लिया, कंटेनर बनाए, कंटेनर इतने महंगे बेचे, अल्टीमेटली रॉ मटेरियल फ्री हो गया, इतना मार्जिन था रॉ मटेरियल फ्री हो गया और आपने उसके प्रॉफिट बना लिए, तो आप बोलेंगे विन विन सिचुएशन है, इंडिया से मंगवाते रहो, और वही हो रहा था। अब इंडिया बोलेगा पहली बात तो तुम्हें रॉ मटेरियल नहीं देंगे, हम खुद बनाएंगे तुम्हारे से कम्पीट करेंगे, फिर तुम किसी और से रॉ मटेरियल लोगे तो तुम्हें महंगा पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो रहा है और मेरे ख्याल से इसी तरीके से इंडिया आगे बढ़ेगा और इंडिया को सोचना पड़ेगा कहाँ कहाँ जो है हमारे रॉ मटेरियल का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है कि हमारे ही रॉ मटेरियल का माल हमें बेच रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि इससे हमारे ही कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, नौकरियां मिल रही हैं, लोग स्किल लेबर बन रहे हैं, उनको नौकरी मिली और जब ऐसे मतलब पैंडेमिक आ जाता है तो उस टाइम भी उनको पता है कि हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सब हो रहा है, हमें कोई वो नुकसान नहीं होगा, हमारी गाड़ी चलती रहेगी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे मेरे ख्याल से हर एरिया में लेना चाहिए और जल्दी जल्दी करना चाहिए क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो बहुत ही मजा आया सुन के कि इतना अच्छा मतलब थॉट जिसने भी लगाया और उसको इम्प्लीमेंट किया है, अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।